यूपी की राजधानी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। हरौनी पुलिस चौकी प्रभारी को एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। किशोरी को बहला फुसला कर ले जाने का पूरा मामला था, जिसको लेकर के रिश्वत ले रहे थे चौकी प्रभारी। इस मामले को रफा दफा करने के लिए साफ तौर से 10,000 रुपए की रिश्वत ले रहे थे। बंथरा थाने की हरौनी पुलिस चौकी का ये पूरा मामला इस वक्त सामने आ रहा है। 10,000 रुपए की रिश्वत ले रहे थे चौकी प्रभारी, जिनका नाम है राहुल त्रिपाठी। जी हाँ, राहुल त्रिपाठी यही उनका नाम है, जो 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोचे गए हैं। और वीडियो में जिस तरह से आप देख सकते हैं, एंटी करप्शन टीम के आने पर खुद को भागने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस के सिपाहियों ने बड़ी मशक्कत के बाद चौकी प्रभारी को दबोचा। वीडियो में आप साफ तौर से देख सकते हैं जो इस वक्त सामने आ रहा है। दरोगा के खिलाफ मुकदमा लिखा दिया गया है और जेल भेजने की तैयारी पूरी कर दी गई है। रिश्वतखोरों को लगातार सबक सिखा रहा है एंटी करप्शन ब्यूरो उत्तर प्रदेश में, और उसी की एक बानगी आज नजर आई है राजधानी लखनऊ से ही, जहां हरौनी पुलिस चौकी प्रभारी को एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोचा है। किशोरी को बहला फुसला कर ले जाने के मामले में रिश्वत लेने की कोशिश कर रहे थे चौकी प्रभारी। बंथरा थाने की हरौनी पुलिस चौकी का ये पूरा मामला इस वक्त सामने आ रहा है। एंटी करप्शन टीम को देखते ही भागने की कोशिश भी दरोगा ने की, लेकिन पुलिस के सिपाहियों ने कड़ी मशक्कत के बाद चौकी प्रभारी को दबोचा। अपने आप में अनोखी तस्वीरें हैं कि एक पुलिस वाले को दूसरे पुलिस वाले पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और वो भागने की कोशिश कर रहा है। दरोगा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया है, जेल भेजने की तैयारी पूरी की जा चुकी है। रिश्वतखोरों के खिलाफ लगातार एंटी करप्शन ब्यूरो अभियान चला रहा है, और जैसे ही शिकायत मिलती है तुरंत एक्शन भी लिया जा रहा है। और यही वजह है कि एंटी करप्शन ब्यूरो लगातार इन दिनों सुर्खियों में है। यूपी की राजधानी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। हरौनी पुलिस चौकी प्रभारी को एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों पकड़ा है। किशोरी को बहला फुसला कर ले जाने के एक मामले में वो रिश्वत वसूल रहे थे। बंथरा थाने की हरौनी पुलिस चौकी का ये पूरा मामला है। 10,000 रुपए की रिश्वत ले रहे थे चौकी प्रभारी राहुल त्रिपाठी, और राहुल त्रिपाठी एंटी करप्शन टीम को देखते ही भागने की कोशिश भी करने लगे। पुलिस के सिपाहियों ने कड़ी मशक्कत के बाद चौकी प्रभारी को दबोचा और जेल भेजने की तैयारी की। दरोगा के खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई है। आपको बता दें कि रिश्वतखोरों को लगातार उत्तर प्रदेश का एंटी करप्शन विभाग वो सबक सिखा रहा है, और हर शिकायत पर संज्ञान लिया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां हरौनी पुलिस चौकी प्रभारी को एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों पकड़ा है।